टैली ईआरपी 9 में मास्टर क्रिएशन बहुत ही सरल है। टैली में बहुत ही फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल हायरार्किकल मास्टर सिस्टम क्रिएट करने का फीचर्स है। यूजर अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी लेवल में मास्टर प्लेस कर सकता है। किसी भी समय किसी भी स्टेज पर कोई भी मास्टर रिकॉर्ड को एक लेवल से दूसरे लेवल में मूव करके मास्टर रीऑर्गेनाइज कर सकता है। मास्टर ऑर्गेनाइजेशन करने उसे रीऑर्गेनाइज करने की इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी शायद ही और कोई अकाउंटिंग सिस्टम में मिले। टैली शायद पहला कोडलेस अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें कोड का लेयर हटा दिया गया। 25-30 साल पहले सारे अकाउंटिंग सिस्टम कोड बेस्ड थे। कोडलेस सिस्टम अकल्पनीय था। आईटी कम्युनिटी में विश्वास ही नहीं था कि कोडलेस अकाउंटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट हो सकता है। टैली का कोडलेस सिंपल सिस्टम पाकर यूजर कोड का झंझट और परेशानी से मुक्त होकर टैली को अपने दिल से अपना लिया। लेकिन आईटी में कोड की कुछ सुविधा भी है, कहीं कहीं कोड का यूज अनिवार्य भी है। जो लोग काफी दिनों से कोड यूज करते आए हैं, कोड अवॉइड नहीं कर सकते, टैली उनके लिए मास्टर्स में एलियस नाम का प्रबंध किया जिसे कोड की जगह यूज कर सकते हैं। एलियस द्वारा सिर्फ एक ही नहीं बल्कि यूजर चाहे जितने कोड जरूरत के अनुसार अपने मनपसंद तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसमें टैली में विथ कोड और विदाउट कोड कोई भी सिस्टम बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एलियस सिस्टम के तहत मास्टर रिकॉर्ड को अपने मनपसंद नाम से रेफर किया जा सकता है। इससे डाटा एंट्री का काम बहुत सरल हो जाता है, कोड से उपजने वाली झंझट और गलतियां हट जाती है। टैली ईआरपी 9 में नॉर्मली इन्फो मेनू से डायरेक्ट मेथड से मास्टर क्रिएट एडिट डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर क्रिएशन के दूसरे मेथड्स भी उपलब्ध है। वाउचर एंट्री करते वक्त भी वाउचर के अंदर से मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। इन सारे मेथड्स हम दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। टैली ईआरपी 9 में मास्टर दो तरह से क्रिएट एडिट डिलीट कर सकते हैं। यूजर अक्सर डायरेक्ट मेथड में मास्टर्स इन्फो मेनू ऑप्शन से मास्टर अपडेट करते हैं। इसके अलावा मास्टर लिस्ट के फुटर में भी मास्टर अपडेट करने का बटन है। मास्टर लिस्ट से मास्टर्स क्रिएट करना काफी आसान है, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे जानते हैं और इस तरीके से मास्टर क्रिएट करते हैं। मास्टर लिस्ट से और भी अच्छी तरह हायरार्की सेट कर मास्टर क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि मास्टर क्रिएशन के समय आप हायरार्की स्ट्रक्चर विजुअली देख सकते हैं और सही जगह में मास्टर प्लेस या मूव कर सकते हैं। अकाउंटेंट इस मेथड को ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि इस तरीके से मास्टर को और भी अच्छी तरह स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। जबकि डायरेक्ट मेथड में पेरेंट मास्टर ग्रुप का नाम लिस्ट से सिलेक्ट करना होता है, उस समय मास्टर की हायरार्की दिखाई नहीं देती। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप पुराने लिस्ट के मास्टर पहले नॉर्मल डायरेक्ट मेथड में एंट्री कर ले और मास्टर लिस्ट के थ्रू नया मास्टर क्रिएट करें ताकि उसे हायरार्की में प्रॉपर पोजीशन में प्लेस कर पाए।